ये कहानी है सिद्धार्थ की। बड़ा ही होनहार, ज्ञानी और सुंदर सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसका मित्र गोविंद हमेशा उसी के साथ रहता, खेलता व हर काम साथ ही करता। दोनों ध्यान भी साथ ही लगाया करते थे। सिद्धार्थ के माता पिता व सभी को सिद्धार्थ पर गर्व था और वे जानते थे कि वह एक दिन बड़ा विद्वान बनेगा। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्र गोविंद के साथ नदी किनारे ध्यान लगा रहे थे। गहरे ध्यान के पश्चात सिद्धार्थ को लगने लगा कि कुछ तो कमी है। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कुछ प्यास बाकी है। उन्होंने कई बार भिक्षुओं को जंगल की ओर जाते देखा था। सिद्धार्थ को लगा शायद यही राह उन्हें कुछ दे सकेगी। घर जाते ही उन्होंने अपने पिता से भिक्षु बनने की बात कही, जिस पर उनके पिता नाराज हुए, किंतु सिद्धार्थ का दृढ़ निश्चय देख उन्हें रोक ना पाए। उन्होंने सिद्धार्थ को आशीर्वाद दिया और कहा कि कुछ प्राप्त होने पर घर जरूर लौटें और अपने पिता से भी साझा करें। इस प्रकार ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ सिद्धार्थ निकल पड़े। गोविंद भी उनके साथ ही हो लिए और दोनों ही जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाते ही भिक्षुओं की टोली में भी जा मिले। वे दिन रात चलते, गांव आने पर विश्राम करते, कम भोजन करते, ध्यान लगाते। समय के साथ साथ उनका शरीर कमजोर होता गया और पीड़ा सहने की शक्ति बढ़ती गई। कुछ वर्ष बाद सिद्धार्थ को लगा कि इन सब से भी उनकी प्यास कम नहीं हो पाई है, अतः आज्ञा लेकर भिक्षुओं से विदा लेना उचित समझा। उन्हीं दिनों उन्हें गौतम बुद्ध के पास के गांव में आने का समाचार भी मिला था, तो सिद्धार्थ और गोविंद गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़े। पहुंचे उस गांव में जिसमें गौतम बुद्ध रुके थे। उनके डेरे पे पहुंचे, उनका प्रवचन सुना, काफी प्रभावित हुए। गोविंद तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गौतम की शरण में जाने का निर्णय ले लिया। वहीं सिद्धार्थ को अभी भी लगा कि यह सब व्यर्थ है। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि उनकी छवि जैसा व्यक्ति उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा और उनकी काफी प्रशंसा की, किंतु अपनी असंतुष्टि प्रकट करते हुए अनुरोध किया कि उन्हें आगे बढ़ने की आज्ञा दी जाए। अब उन्हें लगने लगा था कि प्रवचन सुन ज्ञान प्राप्त करने से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। उन्हें लगने लगा था कि केवल स्वयं पर प्रयोग कर ही वे निर्वाण को प्राप्त हो पाएंगे, जैसे स्वयं गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया। जाते समय सिद्धार्थ काफी हल्के महसूस कर रहे थे, जैसे कि सांप ने अपनी चमड़ी छोड़ दी हो। उन्हें भी लग रहा था कि कुछ बोझ कम हुआ है और एक नया जन्म हुआ है, नई अनुभूति का एहसास था। एक नई नगरी में पहुंचकर वह एक स्त्री से मिले जिसका नाम कमला था। वह एक वैश्या थी। उससे मोहित होकर उन्होंने कमला से प्रेम की कला सीखने का आग्रह किया। कुछ ही दिनों में सिद्धार्थ एक साधारण मनुष्य की भांति माया जाल में फंसते चले गए। पैसा कमाने की चाह, फिर पैसा लुटाने की चाह, और इस प्रकार उन्हें भी लगा कि ये सब माया, ये सब बेकार है, ये सब उन्हें व्यर्थ लगने लगा। और एक दिन नदी किनारे जाके अपने को नष्ट करने का प्रयास करने ही वाले थे कि उन्हें नदी में अपना चेहरा दिखा और कुछ अनुभूति प्राप्त हुई।
नदी किनारे ही उनकी मुलाकात वासुदेव से हुई, जिसने उन्हें बताया कि वे नदी से वार्ता करते हैं और नदी उनको काफी कुछ सिखाती रही है। सिद्धार्थ ने भी यह अनुभव किया, इसी नदी के किनारे वास करते और वासुदेव के साथ नाव चलाते, यात्रियों को नदी पार कराते। इसी दौरान गोविंद से भी मुलाकात हुई और एक दिन कमला से भी भेंट हुई, जो अपने बेटे यानी सिद्धार्थ और कमला के बेटे को भी साथ लाई थी। पुत्र को सिद्धार्थ को सौंपते ही सांप के काटने के कारण कमला की मृत्यु हो गई। बालक को अकेले ही पालने पर सिद्धार्थ को लगा कि उनका पुत्र हठी था। वह एक समय सिद्धार्थ को छोड़कर शहर चला गया। सिद्धार्थ पुत्र मोह में उसके पीछे भी गए, किंतु कुछ समय बाद एहसास हुआ कि शायद उन्होंने भी अपने पिता के साथ ऐसा ही किया था। उन्हें पश्चाताप हुआ और उनके अंदर से एक आवाज आई, ओम। पुत्र मोह के बंधन से भी बाहर आ चुके थे। वो सिद्धार्थ को याद आने लगा था कि उनका उद्देश्य क्या था। नदी को देखकर लग रहा था कि नदी भी उन पर हंस रही है। वासुदेव को ये सब बताने लगे अपने माझी के बारे में। सोच उन्हें लगा कि शायद यही जीवन था, यही सब क्षण मिलकर धारा बनी जीवन के संगीत की। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति की अनुभूति हो रही थी। अपनी किस्मत से लड़ना अब छूट रहा था। इसी प्रवाह में वे लीन होने लगे थे। यह सब देख वासुदेव समझ गए थे। उसी क्षण उन्होंने कहा, सिद्धार्थ अब तुम पहुंच गए हो, अब मैं चलता हूं। मुझे इसी पल का इंतजार था।